एक दो टॉपिक्स पे बहुत देर से मेरा दिल चाह रहा है बात करने को। चलें पहले बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट की। टेस्ट क्रिकेट प्रेशर में आई हुई है और एक डिबेट छिड़ी है, भारत में डिबेट छिड़ गई है, क्योंकि साउथ अफ्रीका और भारत की टेस्ट सीरीज देखने के लिए कोई खास लोग नहीं आए। खैर उनकी गलती नहीं थी फैंस की, इसलिए कि इतनी लॉप साइडेड सीरीज थी कि पहले से ही पता था कि साउथ अफ्रीका को फेंटी पड़ेगी, कि किसी का इंटरेस्ट ही नहीं था इस सीरीज में। तो ये समझा गया है अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, और जो थिंक टैंक्स हैं उन्होंने ये समझा है कि टेस्ट क्रिकेट का सर्वाइवल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो विजुलाइज किया गया। हालांकि मैं ये समझता था कि ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है इसकी 6 महीने की सिर्फ विंडो होनी चाहिए थी, एक दूसरे से सब भिड़ते, आप ट्रैक भी रख सकते थे परफॉर्मर्स के ऊपर और परफॉर्मेंस के ऊपर, बाकी सब क्रिकेट जो है वो आप बंद करा देते इस 6 महीने के विंडो में। नो T20, नो 50 ओवर्स की क्रिकेट, आपको स्पॉन्सर्स भी मिल जाने थे क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होना था स्पॉन्सर्स के लिए बट टू इन्वेस्ट इन टेस्ट क्रिकेट, और आपको फैंस भी मिल जाते क्योंकि एक दफा टेस्ट क्रिकेट का खून लग जाए और आप हर वक्त जब टीवी ऑन करें और क्रिकेट ढूंढें तो आपको टेस्ट क्रिकेट ही मिलती, तो फिर उनका भी इंटरेस्ट बढ़ जाता और जल्दी से पता भी चल जाता सबको 6 महीने में कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन कौन है। दूसरा मैं समझता हूं कि 3-4 चीजें करनी है अगर आप टेस्ट क्रिकेट को अच्छी तरह से मार्केट करना चाहते हैं, खासतौर पर एशिया में। सबसे पहले तो फैन एक्सपीरियंस बहुत बेहतर होना चाहिए, क्योंकि वो बेचारा घर से निकलता है, दूर गाड़ी पार्क करता है, कईयों के साथ छोटे बच्चे होते हैं, कईयों के दोस्त होते हैं, सिक्योरिटी की लेयर्स को क्लियर करते हैं, अंदर चीजें नहीं लेके जा सकते वो बेचारे, अंदर जो चीजें स्टेडियम में मिलती हैं वो महंगी मिलती हैं और अच्छी तर्ज की भी नहीं होती हैं, फिर शेड्स नहीं है, गर्मी में टेस्ट मैच 5 दिन का मैच शेड के बगैर कैसे कोई देख सकता है, सीट्स टूटी फूटी हैं, प्लास्टिक सीट्स हैं, कंक्रीट स्लैब्स कई जगह पे हैं, सो एक्सपीरियंस ही नहीं आप उनको प्रोवाइड करते हैं। क्या करने की जरूरत है, सबसे पहले तो आपको शेड्यूलिंग ठीक करनी है, पहले से फैन को पता होना चाहिए कि होम जो सीजन है उसमें कितने टेस्ट मैचेस हैं और कहां कहां हो रहे हैं। ये भी बात ठीक है, आई थिंक विराट कोहली की तरफ से ये आवाज उठी है कि सेट 5 सेंटर्स बनाए आपके, ताकि आपको कंट्रोल हो सके, आप पिच बना सकते हैं, आपको पता है कि यहां पे स्टेडियम के कॉन्टोर्स क्या हैं, आउटफील्ड कैसी है, और एक तरह से आपको होम एडवांटेज उसका मिल सकता है। मगर इम्पॉर्टेंटली आई थिंक यही है कि सबसे पहले तो फैंस को आप ये बताएं कि आपका होम सीजन क्या है और कौन कौन सी टीम्स आएंगी, अगले 3 सालों का शेड्यूल पता होना चाहिए, फिर टेस्ट क्रिकेट अच्छे मौसम में होनी चाहिए, गर्मी में आप टेस्ट क्रिकेट करवा के इसके साथ आप ज्यादती कर रहे हैं इस फॉर्मेट के साथ, क्योंकि ना तो आप पिच ठीक बना सकते हैं गर्मियों में, ना उसमें घास आ सकता है, ना उसमें बाउंस होता है, सो बड़ी बोरिंग और डल क्रिकेट हो जाती है। सो सर्दी में आप टेस्ट क्रिकेट कराएं जहां पे आप अच्छी पिच भी बना सकें, सर्दी में ये होगा अगर स्टेडियम में शेड है या नहीं है फैंस आएंगे, फिर कोशिश ये कीजिए कि अच्छी उनको सीट्स दें, उनको इज्जत दें, जैसे कि बिजनेस क्लास की सीट होती है, मैं कई दफा ये सोचता हूं कि हम यहां पे स्पेशल आप बॉक्सेस या स्पेशल सीट्स क्यों नहीं क्रिएट कर सकते फैंस के लिए, जहां पे पूरी सीट जो है वो कंफर्टेबल तरीके से सीधी हो जाए, आप अपने पांव पिसार सकें, आपका एक इंडिविजुअल मॉनिटर पॉपअप हो सके और आपका उसका कंट्रोल आपके पास हो, आप रीप्लेस देख रहे हो 4s and 6s के, फॉल ऑफ विकेट्स के, अच्छे कैचेस के, अच्छी फील्डिंग के, ये सब चीजें हम क्यों नहीं कर सकते हैं, आई थिंक हो सकता है। फिर उसके बाद जो स्क्वाड के प्लेयर्स हैं जो टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हैं वो जाके एंगेज हों फैंस के साथ ड्यूरिंग लंच, ड्यूरिंग टी ब्रेक, ऑटोग्राफ साइन करें बैट्स के ऊपर, बॉल्स के ऊपर, फिर इसी तरह टेस्ट मैच शुरू होने से पहले सुबह 8 बजे के करीब एक्स क्रिकेटर्स या जो कमेंटेटर्स हैं उनका Q&A करवाएं फैंस के साथ, उनको बुलाएं ताकि एंगेजमेंट बढ़े, ताकि अगर मैंने टेस्ट क्रिकेट देखने जाना है तो मुझे ये भी सुनना है कि टेस्ट क्रिकेट की अच्छी बातें क्या होती हैं, तो मैं वो टिकट लेके उस कमेंटेटर को या उस एक्स प्लेयर को जाके सुन सकता हूं। आपको इसकी पैकेजिंग के ऊपर बहुत ध्यान देना है और ये चीजें करनी पड़ेंगी टू मेक इट इंटरेस्टिंग। अब देखना यही है कि इसको इंपॉर्टेंस कितनी मिलती है टेस्ट क्रिकेट को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कई दफा जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं ये समझते हैं कि ये हमारे ऊपर थोप दी गई है और हम इनको मैनेज कैसे करेंगे टेस्ट मैचेस को, क्योंकि T20 बिकती है, 50 ओवर्स की क्रिकेट बिकती है, इसमें जोर लगाना पड़ता है क्रिकेट बोर्ड्स को कि टेस्ट क्रिकेट को कैसे बेचे, और यहीं पे उनकी एबिलिटी जो है वो झलकती है। बड़ा जरूरी है कि टेस्ट क्रिकेट को आप इज्जत दें, क्योंकि ये शारग है क्रिकेट की, सारे फॉर्मेट्स की स्किल जो है वो इस पे डिपेंडेंट है। टेस्ट क्रिकेट में अगर आप अच्छे हैं तो T20 में भी अच्छे होंगे और 50 ओवर्स की क्रिकेट में भी अच्छे होंगे।
दूसरा टॉपिक है शर्जील खान का, क्योंकि रिपोर्ट्स ही अखबार में मैं पढ़ रहा हूं आ रही हैं कि उनको वापस लेके आया जाएगा शायद, क्योंकि उन्होंने अपनी सजा काट ली है। देखिए मुझे बड़ा अफसोस होता है इसलिए कि बार बार हमारी सोसाइटी, हमारी क्रिकेट फिटर्निटी जो है ऐसे लोगों को अपने सिस्टम में वापस लाने के लिए बेताब होती है जिन्होंने सिस्टम को पल्यूट किया है, गंद मचाया है, पाकिस्तान का नाम डुबोया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद हम लोग बड़े खुश होते हैं कि ये जो क्रुक्स हैं ये वापस आ गए हैं, क्योंकि हम जो जिसको कहते हैं कैरेक्टर को और क्रेडिबिलिटी को पीछे धकेल देते हैं और टैलेंट को सामने ला के, स्किल्स को सामने ला के ये सोचते हैं, जो कि बहुत ही एक तरह से आप समझे कि शॉर्ट टर्म गोल है, कि इनकी स्किल्स से शायद पाकिस्तान को फायदा होगा और हम मैचेस जीतना शुरू हो जाएंगे। पता ये चलता है कि जब ऐसे प्लेयर्स को आप वापस बुलाते हैं कि आपका करंट टैलेंट जो है वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि अगर आपको 5 साल में भी कोई ओपनर नहीं मिला है तो ये सिस्टम की ज्यादती है और सिस्टम को ट्वीक करना है और इसको ठीक बनाना है ताकि ऐसे प्लेयर्स से हम जान छुड़ा सकें। देखिए मैं ये ट्वीट भी किया था और ये कॉन्ट्रोवर्शियल ट्वीट था और बहुत सारे शायद पाकिस्तानियों को ये पसंद भी नहीं बात आएगी, मगर ये इंट्रोस्पेक्शन का मामला यहाँ पे मैं समझता हूँ है, क्योंकि पिछले साल पाकिस्तान पहले नंबर की कंट्री थी जिसने सबसे ज्यादा हाजी भिजवाए। पाकिस्तान से 15 लाख लोग हज और उमरा करने के लिए गए, मगर ईमानदारी के इंडेक्स में 180 कंट्रीज में हम 113वें नंबर पे हैं, यानी कि हम तले तो जाते हैं, सर भी झुका देते हैं ऊपर वाले के आगे, मगर उसका अमल क्या है वो जीरो है। और हमें ये समझना है कि जब तक हम कैरेक्टर नहीं दिखाएंगे एज अ नेशन, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, हम आगे तरक्की नहीं कर सकते हैं। सो ऐसे लोगों को मेरी किताब में तो बिल्कुल वापसी नहीं है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान का नाम डुबोया। और मैं बड़ा क्लियर हूं इस चीज के ऊपर कि आपको आगे देखना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, और इनको इनकी किए की सजा मिलनी चाहिए और इस सिस्टम में इनको दोबारा कभी भी नहीं लाना चाहिए। मेरी दरख्वास्त है आप फैंस है कि आप दीवार की तरह खड़े हो जाएं ऐसे माइंडसेट के खिलाफ।